हरियाणा के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिसमें अंबाला, करनाल और पंचकुला शामिल है। वहीं लगातार बारिश से हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां करीब 9 जिलों में 600 गांव पानी में बह चुके हैं। सबसे बुरी हालत अंबाला की है, जहां अभी भी 40% हिस्सा पानी में भरा हुआ है। बारिश के जलभराव की वजह से अंबाला से निकलकर जाने वाली 7 बड़ी रोडें बंद हो चुकी हैं। वहीं कैथल में घग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व से निर्धारित अर्बन लोकल बॉडीज की मीटिंग को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ग्राउंड में रहने के निर्देश दिए हैं। इनमें अंबाला चंडीगढ़, अंबाला सहारनपुर, अंबाला दिल्ली, अंबाला जलंधर, अंबाला हिसार, अंबाला यमुनानगर नेशनल हाईवे और अंबाला पंचकुला वाया बरवाला हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अलर्ट जारी करते हुए वाहन चालकों से अपील की है कि वह इन हाईवे पर यात्रा न करे। राज्य में अब तक बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा अंबाला जिले में हालात खराब हैं। यहां 3 दिन में 451 मिलीमीटर बारिश होने से शहर में 40% का हिस्सा डूब चुका है। हालात ज्यादा खराब होने पर प्रशासन ने सेना की मदद ली है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों ने घर की छत पर शरण ली है। देर रात तक NDRF, SDRF और पुलिस ने 2000 लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। अंबाला के चमन वाटिका स्कूल में फंसी 731 छात्राओं को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ से अंबाला से गुजरने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि पटरियों पर पानी भरा हुआ है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।